हेलो दोस्तों मैं निकिता वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब का जो वर्कआउट है और आपको एक अच्छा फिगर देने के लिए जैसे ही आज, अभी समर सीजन स्टार्ट होने वाले हैं तो हो सकता है कई लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है उनके बढ़ते थाई फैट की वजह से क्योंकि गर्मियों में क्या होता है जब हमारी जब हम चलते हैं रनिंग करते हैं तो हमारी थाई आपस में लगती हैं। जिस वजह से वहां पर रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं जो कि हमें बहुत दिक्कत देते हैं तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज से ही ये एक्सरसाइजेस आप डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दीजिए आप अपने इस प्रॉब्लम को तो दूर कर ही सकते हो साथ ही साथ अपने थाई फैट को रिड्यूस कर सकते हो और अपने आप को हेल्दी और फिट बना सकते हो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए पास से में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप लोगों का प्यार मुझ तक भी बहुत जल्दी से पहुंच सके फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है आपको इस तरीके से आ जाना है अब आपको क्या करना है अपने एक पैर को इस तरीके से रखना है अपने टोस को पॉइंट आउट करके आप रखिए एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से भी करना है वन ट्यू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9 10 एंड रिलैक्स इसको आपको दोनों साइड से 30 30 टाइम्स करना है 30 राइट से 30 लेफ्ट से और इसके आपको थ्री राउंड्स कंप्लीट करने हैं एक अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हो लेकिन बस ध्यान रखना है कि आपको इनको रेगुलर बेसिस पे करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको वापस से इस तरीके से आना है अपने पैरों को वापस से इसी सामने लेके जाना है अब आपको क्या करना है अपने नी को अपने चेस्ट के पास लेके आना है लाइक like दिस और फिर वापस लाइक दिस एंड बैक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड रिलैक्स इसी तरीके से लेग like, चेंज करके करेंगे दूसरे पैर से One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, and relax. इसको भी आपको सेम थर्टी थर्टी दोनों साइड से करना है और इसके भी आपको थ्री राउंड कंप्लीट करने हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ इसके लिए वापस से आपको सेम पोजिशन लेनी है अब आपको क्या करना है अपने पैर को साइड में स्ट्रेच लाइक दिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड रिलैक्स इसी तरीके से दूसरी साइड से भी करना है और दोनों साइड से आपको थर्टी थर्टी टाइम्स करना है और इसके भी आपको थ्री राउंड कंप्लीट करने हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ इसके लिए आपको क्या करना है आपको इस तरीके से बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ जाना है जो कि एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेच है जिससे आप अपने थाई फैट को अच्छे से रिड्यूस कर सकते हो लाइक like दिस आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है फिंगर्स को इंटरलॉक करना है अपने टोज के नीचे इस तरीके से रखना है बैक स्ट्रेट एंड स्ट्रेच जितना हो सके उतना स्ट्रेच कीजिए अपने नी को नीचे लगाने की मार्क्स से टच करने की कोशिश कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन चेन एंड रिलैक्स यहीं पर आपको टेन सेकेंड होल्ड करना है थोड़ा सा प्रेशर के लिए ताकि आपका जो पैल्विक एरिया है जो इनर थाई का एरिया है वहां पे प्रेशर आ सके और आपको एक अच्छा स्ट्रेच मिल सके तो इसके लिए आपको धीरे धीरे हल्का सा आगे बैंड होना है है। यहीं पे होल्ड करना साइन टेन रिलैक्स तो आपको एक एक मिनट तक एक मिनट आपको या फिर थर्टी सेकेंड तक आप इस पोजीशन में होल्ड कीजिए और एक मिनट तक आपको बटरफ्लाई करनी है और हर किसी के आपको थ्री राउंड कंप्लीट करने हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ उसके लिए आपको इस तरीके से बैठ जाना है अपने ये है हमारा गालन पोज जिसे हम मलासन कहते हैं इसमें इसे आपको सुबह खाली पेट जरूर करना चाहिए और आप चाहो तो इस पोजीशन में बैठ के आप पानी पीजिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होने लगेगा तो इस तरीके से आपको बैठना है अपने एल्बो को अपने नी के अंदर रखना है और बाहर की तरफ पुश करना है एंड बैक शुड बी स्ट्रेट बैक आपकी स्ट्रेट हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स इसमें आपको थर्टी सेकेंड से लेके वन मिनट तक होल्ड करना है जितनी आपकी कैपेसिटी है आप इसे ज्यादा भी कर सकते हो तो जरूर कीजिए और इसके भी आपको थ्री राउंड कंप्लीट करने हैं तो आज की जो एक्सरसाइजेस थी आज जो का जो वर्कआउट का पार्ट था वो यहीं तक था अगर इन सभी एक्सरसाइजेस को आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सक, करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी अपने थाइस में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है लेकिन आपको डेली बेसिस पे करना है एक दिन में पांच दिन में दस दिन में आपको रिजल्ट नहीं आने वाला तो आज की जो वीडियो थी वो मेरी यहीं तक थी आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो अपने बढ़ते थाई फैट से बहुत ज्यादा परेशान है मिलती हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक स्टे फिट स्टे हेल्थी बाय